राजस्थान के बाड़मेर चौहटन सड़क मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा देर शाम हुआ है, जिसमें जो जानकारी निकल कर आई है उसमें यह बताया गया है कि सीमा सुरक्षा बल का एक वाहन और जो वहाँ ट्रक था उसके बीच में जबरदस्त तरीके से भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि जो सीमा सुरक्षा बल के जवान थे वो, ऐसा बताया जाता है, कि घायल हो गए। उसके बाद आसपास के गांव वालों की मदद से सीमा सुरक्षा बल के जवानों को चौहटन के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने दो जवानों को मृत घोषित कर दिया गया है, इस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही है। वहीं चार से पांच जो जवान थे जो गंभीर रूप से घायल हुए थे, उन्हें वहां का जो सरकारी अस्पताल है वहां पर प्रारंभिक इलाज के बाद में इसी मेडिकल कॉलेज के, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरों में बताए कि किस तरीके से इसी मेडिकल कॉलेज के राजकीय अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है। दो तीन अलग अलग एम्बुलेंस में चार जवानों को यहाँ लाया गया है, जहाँ पर घटना की जानकारी मिलने पर सीमा सुरक्षा बल के DIG से लेकर बाकी जो अधिकारी थे वो अस्पताल पहुँचे हैं। और कुछ देर पहले ही जो बाड़मेर के जिला कलेक्टर है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है, वो मौके पर पहुँचे हैं और घायलों के इलाज के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। कलेक्टर की ओर से और प्रशासन के जो BSF की ओर से ऐसे पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जो जवान घायल है उनका बेहतर इलाज हो सके। अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है उसमें यही बताया गया है कि जो BSF का जो वाहन था उसमें 6 से 7 जवान थे, और जो हादसे के बाद में जो दो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया है वो चौहटन के सरकारी अस्पताल में हैं। DIG से लेकर बाकी जो अधिकारी है वो यहाँ पर आने के बाद में वहाँ मौके के लिए रवाना हुए हैं, मौका स्थल देख रहे हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर चौहटन के जो उपखंड थे, उपखंड अधिकारी से लेकर बाकी जो पुलिस के अधिकारी थे वो वहाँ अस्पताल में पहुँचे ताकि बेहतर इलाज हो सके। घटना के बारे में अभी तक कुछ ज़्यादा जानकारी निकल कर नहीं आई है। क्या कुछ इस पूरे मामले पर अधिकारियों ने कहा, सुनिए। सर, क्या कुछ हादसे के बारे में जानकारी मिली, किस किस के बीच में हादसा हुआ है और क्या अभी तक की जानकारी है? 83 बटालियन के जवान BSF के गांधीनगर कुछ अपने ऑफिशियल काम से जा रहे थे, उनके व्हीकल की और ट्रक की टक्कर हुई है। जितना सामने आया है कि इसमें दो जवान शहीद हो गए हैं और अभी चार यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं, एक CHC चौटन में। जो चार यहाँ हैं उनमें से दो लोगों को हम रेफ़र करने का, अभी PMO साहब ने बताया कि एक को हेड इंजरी है और एक को लेग्स में काफ़ी इंजरी है, तो उनको रेफ़र करेंगे। बाकी दो स्टेबल हैं, वो बाकी जिनको रेफ़र कर रहे हैं वो भी स्टेबल हैं, लेकिन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखते हुए उनको रेफ़र कर। किस तरीके से यहाँ इंतज़ाम किए गए हैं, डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया? सभी डॉक्टर्स यहाँ हैं, स्पेशलिस्ट भी हैं, रेजिडेंट भी हैं, जो ड्यूटी पे थे वो भी हैं, PMO खुद आ गए हैं, मैं भी यहाँ हूँ और एडिशनल SP हैं, SDM हैं, सारी व्यवस्थाएँ यहाँ चाक चौबंद हैं। और आगे अब इनको जो रेफ़र करना, जो डिसीजन लेना है वो मेडिकल टीम लेगी। सभी जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है? चार घायल हैं, चारों ही स्टेबल हैं, पर हेड इंजरी एक को है, एक जवान को, और एक को लेग्स में काफ़ी इंजरी है, उस वजह से उनको रेफ़र करने का अभी PMO साहब ने बताया कि अभी तक जो लग रहा है कि उनको रेफ़र करना उचित रहेगा, तो उनको रेफ़र करने का। BSF की DIG से कोई बातचीत हुई? मेरी DIG साहब से एक्सीडेंट के जिस बात बात हुई थी, तो जैसा उन्होंने बताया शायद वो कहीं बाहर हैं, तो उन्होंने जो हेल्प की जो भी हमसे डिमांड की थी वो हमने उनको एम्बुलेंस हो या CHC में जो व्यवस्थाएं थी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो उपलब्ध करा दी।